मोबाइल चोरों को पकड़ने के लिए होम गार्ड बबली ने लगाई पुल से छलांग। बहादुरी पर उत्तराखंड पुलिस कर रही सल्यूट। इनकी इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। हरिद्वार में वीआईपी घाट के पास यात्री का मोबाइल छीन कर भाग रहे किशोर को महिला होमगार्ड ने दबोच लिया। आरोपी पुल से छलांग लगाकर भाग रहा था। महिला होमगार्ड ने भी पुल से छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। महिला होमगार्ड के इस साहस को देखकर हर कोई दंग रह गया। कोतवाली क्षेत्र की रोड़ी बेलवाला चौकी के वीआईपी घाट पर महिला होमगार्ड बबली रानी ड्यूटी पर तैनात थी। बुधवार को एक यात्री उनके पास पहुंचा और बताया कि कुछ युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया। होमगार्ड बबली ने युवकों को आवाज लगाई तो वो भाग खड़े हुए। 6 युवक सड़क पार कर दूसरी तरफ भाग गए, जबकि एक ने वीआईपी घाट के पास स्थित पुल से नीचे कच्चे में छलांग लगा दी। होमगार्ड बबली रानी ने भी पुल से छलांग लगाकर आरोपियों को दबोच लिया, मोबाइल भी बरामद कर लिया। होमगार्ड की सूचना पर रोड़ी बेल वाला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर आ गई। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वो किशोर है। उसके साथ के लोगों का पता करवाया जा रहा है कि वो भी कम उम्र के हैं या युवक हैं। वहीं जिला कमांडेंट होमगार्ड ने महिला होमगार्ड की प्रशंसा की है। जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार गौतम कुमार ने बताया कि महिला होमगार्ड की बहादुरी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महिला होमगार्ड ने सराहनीय कार्य किया है। बृहस्पतिवार को एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने महिला होमगार्ड बबली रानी को कार्यालय बुलाकर साहसिक कार्य के लिए नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर स्वतंत्र कुमार सिंह, एएसपी संचार विपिन कुमार आदि मौजूद रहे। तो बबली जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।